वंदे मातरम दोस्तों, आज हम लोग संवेकना से जुड़े हुई एक बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक स्थली पर खड़े हैं। ये है काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। संवेकानंद काठगोदाम में लगभग चार बार आए। सबसे पहले 1890 में जब वो अपने परिव्राजक जीवन में थे, उस समय संवेकानंद को कोई जानता नहीं था। संवेकानंद यहीं पे उतरते थे और फिर आगे कुमाऊं के क्षेत्र में बढ़ते थे। उसके बाद जब संवेकानंद विश्व दिग्विजय करके आए, 11 सितंबर 1893 का वो विश्व दिग्विजय शिकागो का, उसके बाद संवेकानंद जब भारत रोड पे निकले तो संवेकानंद तीन बार यहाँ पर आए। सबसे पहले 1897 में, फिर 1898 में और फिर 29 दिसंबर 1900 को संवेकानंद आखिरी बार इधर आए। स्वामीकानंद ने उत्तराखंड में चार डिस्ट्रिक्ट कवर किए थे आज की दृष्टि में। एक यही नैनीताल, उसके बाद अल्मोड़ा जो उनकी सबसे प्रिय जगह थी, उसके बाद बागेश्वर अल्मोड़ा के आगे पड़ता है, और एक चंपावत जहाँ पर मायावती आश्रम भी स्थित है। स्वामीकानंद यहाँ आते थे तो उनके गुरु भाई उनके साथ होते थे, उनके डिसाइपल्स उनके साथ होते थे, और फिर जो उनके विदेशी डिसाइपल भी उनके साथ रहे हैं। लोहाघाट में जो मायावती आश्रम है, वो संवेकानंद के जो दो वेस्टर्न डिसाइपल्स थे, कैप्टन मिस्टर एंड मिसेस सेवियर, उन्होंने वो बनाया था। संवेकानंद का लास्ट विजिट वहीं पे था। यहाँ से लगभग जब हम ऊपर जाते हैं तो 45 किलोमीटर्स पर नैनीताल आता है और 80 से 85 किलोमीटर्स पे अल्मोड़ा आता है। और आज भी यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लोग कहते हैं कि रात को बाघ आते हैं और भी अन्य चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। आज व्हीकल्स की फैसिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय आज से लगभग 125 साल पहले संवेकानंद यहाँ पे उतरते थे, पैदल पैदल आगे बढ़ते थे, कभी घोड़ा गाड़ी मिल जाती थी उससे आगे बढ़ते थे। और संवेकानंद से जुड़ी हुई अन्य स्थलियाँ भी यहाँ पर हैं। जैसे जब हम आगे जाते हैं अल्मोड़ा के पास तो कांटी घाट हमको मिलता है, रामकृष्ण कुटीर हमको अल्मोड़ा में मिलता है। आगे की ऐसी जानकारी संवेकानंद से रिलेटेड मैं आपको देता रहूँगा। नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की, नमस्कार।